और चमोली से बड़ी खबर आ रही, जोशीमठ आर्मी हेलीपैड पहुंचा हेलीकॉप्टर। शहीद जवानों के शव भेजे जाएंगे उनके पैतृक गांव। शनिवार को रेस्क्यू के दौरान मिले थे 4 शव, एक जवान और एक कोटर अभी भी लापता है। तो बड़ी खबर आ रही चमोली से, जोशीमठ आर्मी हेलीपैड पहुंच चुका हेलीकॉप्टर और शहीद जवानों के शव भेजे जाएंगे उनके पैतृक गांव। शनिवार को रेस्क्यू के दौरान इन 4 शहीद जवानों के शव बरामद किए गए थे। अब इनके शव इनके पैतृक गांव भेजने की तैयारी सेना कर रही है। एक जवान और एक पोर्टल अभी भी लापता है। और चमोली से हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। नितिन, सेना की तरफ से ऑपरेशन त्रिशूल अभी भी चलाया जा रहा है, एक जवान एक पोर्टल अभी भी लापता है, लेकिन जो 4 शव सेना के जवानों के बरामद किए गए थे उनके शवों को अब उनके पैतृक गांव भेजने की तैयारी की जा रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू के लिए आ चुकी थी। शनिवार को बताया गया कि देर शाम को जो 4 शव बरामद किए गए नौसेना के जवानों का, उनको रविवार सुबह आर्मी के हेलीपैड में लाया गया। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो जोशीमठ है वहां पे उनके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। अब से कुछ देर बाद आर्मी के हेलीपैड में उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद इन सभी जवानों के शव इनके पैतृक निवास स्थान पर भेजे जाएंगे। ये अलग अलग राज्यों के रहने वाले जवान हैं, उत्तराखंड का भी एक जवान इसमें शामिल है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों के जो जवान हैं वो इसमें शामिल है। हालांकि सेना की ओर से अभी किसी भी जवान के बारे में पुष्टि नहीं की गई है, कोई जानकारी ज्यादा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद सेना प्रेस को ये सारी चीजें बताएगी, पूरे रेस्क्यू के बारे में बताएगी कि किस तरीके का वहाँ पे रेस्क्यू किया गया, कितना टफ था। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर भारतीय सेना इस रेस्क्यू में नहीं होती तो बहुत ज्यादा मुश्किलें वहाँ पे पैदा हो सकती थी। लेकिन भारतीय सेना को एक रेस्क्यू के लिए जब वहाँ पे भेजा गया तो लगभग 2 दिन के अंदर ही ये रेस्क्यू पूरा हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपने जो जवान जो शहीद हुए हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका जो रेस्क्यू किया वो एक युद्ध स्तर पर रेस्क्यू हुआ और आज उनके पार्थिव शरीर जो है वो जोशीमठ के आर्मी हेलीपैड में लाए गए हैं। जी ठीक है नितिन, एक जवान और एक पोर्टल अभी भी लापता, उसके बारे में कोई अपडेट मिल पाई है सेना की तरफ से, कोई जानकारी दी गई है? जी, सेना के जो सूत्र हैं हमारे, उनका ये कहना है कि उनके शव को भी बरामद कर लिया गया है, केवल अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको आर्मी के हेलीपैड में लाना है। एक उसमें सेरा करके जो पोर्टल के साथ होता है वो व्यक्ति उसमें शामिल है, जो मार्गदर्शन करता है आगे से, वो शामिल है। और एक अन्य जवान है जिसकी अभी शव को जोशीमठ लाया जाना है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद उनका भी पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद एक भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पे सेना के जो जवान हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो उसमें पहुंचेंगे और उसके बाद एक श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति जरूर हुई है और देश ने एक बार फिर से अपने 5 जवानों को खो दिया है। जिस तरीके से हमने कल देखा था कि राजनाथ सिंह का भी उसमें ट्वीट आया था, उन्होंने भी दुख जताया था, उत्तराखंड के सीएम इस पूरी घटना पे दुख जता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के लिए बहुत दुखद भरी घटना है। जी ठीक है नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अब जो 6 जवान लापता थे उनके शव बरामद कर लिए गए हैं।